भगवत स्मरण करने में लीन हो। माता पार्वती ने भगवान शंकर से निवेदन करा, भोलेनाथ आपके स्वरूप से ज्यादा पूजन का फल शिवलिंग पूजन का होना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती सुन, भूल से भी अनायास भी अगर कोई आज के दिन, कौन से दिन, आज का दिन मतलब, नहीं नहीं जिस दिन पार्वती ने शंकर जी को पिंडी बनाया था प्रदोष का, कौन से दिन, प्रदोष के दिन, आज के दिन शाम के समय पर अगर कोई शंकर की आराधना करेगा, शिव की पूजन करेगा, प्रदोष का व्रत करेगा, उसको जीवन में कभी दुख नहीं झेलना पड़ेगा, वो सुखगामी होकर मेरे धाम को आएगा। ये माने शंकर भगवान से वर प्राप्त करा। आप लोगों में से कई माताएं होंगी जो प्रदोष का व्रत करती होंगी, पुरुष लोग होंगे जो प्रदोष का व्रत करते होंगे, करना चाहिए अवश्य। तो प्रदोष के दिन भगवान शंकर का स्मरण हो, भगवान शंकर का भाग ग्रहण हो। शिवजी महाराज को प्रयास करा करो कि प्रदोष के दिन हम भगवान शंकर का व्रत रखें, उनका स्मरण करें, शिवलिंग की पूजन करें। नहीं बन सकता तो शाम के समय अगर कोई भूल से भी शंकर के मंदिर में पहुंच जाता है तो पूरे प्रदोष व्रत का फल उसको प्राप्त हो जाता है। भूल से भी अगर प्रदोष के दिन भगवान शंकर के मंदिर में शाम के समय पहुंच गया, फल प्राप्त होता है प्रदोष। किसी भी आप व्रत करो चाहे नहीं करो, साल भर में एक बार किसी भी प्रदोष को, सात कुए, कुए जानते हो, सात कुए, किसी भी दिन मतलब किसी भी प्रदोष को पूरे साल में एक बार सात कुए बनाकर शंकर को समर्पित करो, बेलपत्र रखकर। उस कुए को उठाकर पूरे परिवार समेत मिलकर खाइए, परिवार में कभी झगड़ा नहीं हो सकता सर, उस कुए का इतना भाव है।